उदयपुर जिले के गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओगणा थाना क्षेत्र के वास कस्बे के बस स्टैंड स्थित खेतों पर लगी भीषण आग से घास के 10 कुंदवे, कटी फसल व ट्रैक्टर जल जाने से पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच गई है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि चैन सिंह राजपूत के खेतों से अचानक धुआं उड़ता दिखाई दिया और लोग मौके पर दौड़े। उससे पहले ही तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते खेतों में पड़े घास के 10 कुंदवे, जिसमें करीब 10,000 घास की पुलिया, कटी हुई फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास कर रहे थे, इस दौरान आग फैलती गई और रोड किनारे खड़े कालू सिंह के ट्रैक्टर को भी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं गांव के गिरीश जोशी ने बताया कि आग से सभी किसानों को करीब 4 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर ओगणा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने पटवारी व सचिव को भी मामले से अवगत करा दिया है। वहीं सूचना पर उदयपुर से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कस्बे के बीचों बीच लगी आग घरों तक नहीं पहुंची, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोकल न्यूज़ वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।